मैं रोशनी रामेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से। रामेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की टॉप नीट पीजी एडमिशन कंसल्टेंसी है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस नीट पीजी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस एडमिशन को लेकर के चलते हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एडमिशन लेने के दौरान आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे MDMS, CPS, FC, PS के टॉप कॉलेजेस में काउंसलिंग से अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, क्या रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, OBG, पीडिया, ऑर्थो जैसे टॉप क्लिनिकल ब्रांच 12 से 15 लाख पर ईयर मिल सकता है या नहीं। अगर आप अपने कैटेगरी से 302 या 263 जस्ट एलिजिबल हैं, क्या आपको क्लिनिकल ब्रांच, रेडियो या डर्मा मिल सकता है। अगर आप नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो MDMS, CPS और FCPS में कहाँ एडमिशन मिल सकता है। क्या कॉलेज राउंड में NRI और मैनेजमेंट फीस जैसे कॉलेजेस की फीस 70 से 80 लाख पर ईयर से ज्यादा है, तो क्या सीट वैकेंट रहने के बाद आपको फीस रिड्यूस करके मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल 80 लाख पर ईयर फीस वाले कॉलेजेस की फीस अगर आपको 60 लाख पर ईयर मिले तो, या फिर 90 लाख ईयरली फीस वाला कॉलेज क्या 65 लाख ईयरली फीस में आपको कॉलेज प्रोवाइड करा सकता है, या आपको 1 करोड़ 30 लाख फीस वाला कॉलेज 80 लाख पर ईयर फीस में मिल सकता है। किसी भी कॉलेज में फीस रिडक्शन करके आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं। लो डिमांडिंग ब्रांचेस जैसे ऑर्थो, एनेस्थेसिया, ENT, साइकेट्री, सर्जरी और ऑप्टल, क्या कॉलेज राउंड में लो बजट में मिल सकता है आपको एडमिशन। आपके सभी सवालों के जवाब और आपके एडमिशन से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। लो बजट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग से पहले हमारे ऑफिस विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो और आपके बजट के अनुसार हो।